नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। आपको वो खबरें जो पांच मुख्य खबरें हैं और सुबह ही जान लेनी चाहिए। देश में कोरोना से कोहराम, बढ़ रहे मौत के मामले से किस किस राज्य में तबाही, कोरोना कंट्रोल के लिए कहीं लॉकडाउन तो कहीं कोरोना कर्फ्यू, दिल्ली महाराष्ट्र यूपी समेत देश के 26 राज्यों में सख्त पाबंदियां। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्यों का वैक्सीन खरीदना सही, 45 से अधिक के लोगों के लिए हम करते रहेंगे आपूर्ति। तो वरमाला डालने से पहले दुल्हन ने पूछा एक सवाल, नहीं बता पाया दूल्हा तो क्या हुआ। क्या आईपीएल के बाद G20 वर्ल्ड कप भी होगा स्थगित, इयान चौपल ने क्या दिया बड़ा बयान। देश में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे हैं। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच मरीजों के ठीक होने की दर में भी कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,03,738 केस सामने आए, वहीं इस दौरान 3,86,444 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल मौतों का आंकड़ा 4,092 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,22,96,414 हो गई है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,83,17,404 है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में 2,42,362 हो गई है। भारत में कोरोना से अब तक कुल एक्टिव केस 37,36,648 हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 नए मामले सामने आए, वहीं 60,226 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 86.4% हो गया है। राज्य में कोरोना से 542 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश के हालात काफी बिगड़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 23,300 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 296 लोगों की मौत हो गई। बिहार में अब तक कोरोना के 5,91,476 मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 67 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बिहार में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,282 हो गई है। बिहार में रिकवरी रेट 80.71% है। वहीं दिल्ली में बीती 24 घंटे में कोरोना के 13,336 मामले सामने आए, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,23,567 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 14,738 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,17,991 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हुई मौत के मामले में 273 है, जिसके बाद सूबे में कोरोना से मरने वालों की कुल आंकड़ा 19,344 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारों ने कोरोना की चेन तोड़ने के मकसद से सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। दिल्ली में लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। वहीं देश में बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू है। तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में एक बार फिर सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब राज्य में 17 मई तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में शादियों में अब सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार को 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 16 मई तक प्रभावी रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली उन 10 राज्यों में शामिल हैं जहां रविवार को सामने आए 4,03,738 मामले 71.75% मरीज हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश में देश के 92.94% एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं बिहार में 4 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ओडिशा में 5 मई से 19 मई तक के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। झारखंड में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 13 मई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जबकि पहले जिलाधिकारियों को 15 मई तक लॉकडाउन बनाने की अनुमति थी। पंजाब में 15 मई तक वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के अलावा विस्तृत पाबंदियां लगाई गई है।
कोरोना के इलाज के बेहतर प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। इसके पहले केंद्र ने अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया है। कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद क्यों नहीं कर रहा। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच विचार कर बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्र ने कहा है कि 45 से अधिक उम्र के लोगों पर खतरा अधिक है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए उनके लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए कुल वैक्सीनेशन उत्पाद का 50% केंद्र खरीद रहा है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए राज्य और निजी क्षेत्र वैक्सीन खरीद रहे हैं। केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों से बात कर कीमत कम करवाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हल्फनामा दायर कर मांग की थी कि राज्यों को केंद्र से पूरा वैक्सीन मुफ्त में मिलना चाहिए। केंद्र के जवाब से साफ है कि उसका वैक्सीन की 100% खरीद खुद करने से इरादा नहीं है। केंद्र ने यह भी बताया कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक का उत्पादन आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि देश भर में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। शादियां टूटने की कई वजहें सामने आती रहती हैं, कभी दहेज की वजह से तो कभी कोई घटना के चलते शादियां टूट जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शादी टूटने की घटना तब सामने आई जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे और दुल्हन ने एक सवाल पूछ लिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है, जहां खरेला थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी ने पुत्री की शादी बनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में तय की थी। 30 अप्रैल की रात बारात लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंची। इस दौरान बारातियों की खूब खातिरदारी हुई। इसी बीच जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हा अजीब हरकतें करने लगा, ये सब दुल्हन देख रही थी। दुल्हन ने जयमाला डालने से पहले दूल्हे से एक सवाल कर डाला। उसने कहा कि अगर वो इस सवाल का जवाब देगी तभी वो शादी करेगी, अगर जवाब नहीं दे पाया तो शादी नहीं करेगी। दरअसल दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा। दुल्हन के सवाल के बाद दूल्हे को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर दुल्हन ने दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया, वरमाला नहीं पहनाया। दुल्हन ने साफ मना कर दिया कि वह इससे शादी नहीं करेगी। लड़की पक्ष के लोग थाना पहुंच गए और मांग की कि शादी में जो रुपए खर्च हुए हैं उसे वापस दिलाया जाए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों से बात सुनी गई। बातचीत में तय हुआ कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को दिए गए उपहार और गहने वापस करेंगे। उनकी आपसी सहमति को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज यान चैपल का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के निलंबन से पता चलता है कि क्रिकेट अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण भारत में होने वाली आगामी T20 विश्व कप के स्थगित या अन्य स्थान पर आयोजित किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। बायो बबल के बावजूद सनराइजर हैदराबाद के रिद्धिमान साहा, दिल्ली कैपिटल के अमित मिश्रा तथा कोलकाता नाइट राइडर्स की वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। चैपल ने अपने कॉलम में लिखा कि आम जनता में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते और मौतों का कुछ खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के कारण आईपीएल 2021 का निलंबन इस बात को याद दिलाता है कि यह खेल अभेद नहीं है। भारत अभी कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है तथा यहां हर दिन 4 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में ही अक्टूबर-नवम्बर में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। चैपल ने कहा, वर्तमान माहौल को देखते हुए आईपीएल का निलंबन मिसाल पेश कर सकता है। इसके बाद भारत में साल के आखिर में होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित या किसी अन्य स्थान पर आयोजित भी किया जा सकता है।